तुम्हें मैंने साफ साफ कहा था उन आवारा लड़कियों से अपनी दोस्ती खत्म करो। मुझे धोखा दिया तुमने, झूठ बोला मुझसे। अभी तुम उनके साथ हॉस्टल में रह रही थी। हॉस्टल में वो लोग मुझसे पहले से थी। अच्छा, और घूमना फिरना, उनके साथ सिनेमा जाना, कॉन्सर्ट जाना, किसकी इजाजत से जा रही थी तुम? मैं बच्ची नहीं हूँ, बात बात पे आपसे इजाजत लूंगी, सो जाऊं, खा लूं, बाहर चली जाऊं। तुम्हारी बातों और तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम अब भी बच्ची हो। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वलीद बिल्कुल ठीक कहते हैं, अभी तो तुम शुक्र करो कि उसने तस्वीरें नहीं दिखाई डैड को। तो दिखा देते, मैं बोल देती डैड को वो लड़का मुझे पसंद करता है, मैं उसे पसंद करती हूँ, शादी करना चाहते हैं। क्या गलत है इसमें? गलत फहमी तो ये तुम्हारी है। अभी तक तुमने अपने डैड का सिर्फ और सिर्फ लाड प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। ऐसे करके तुम्हारी यूनिवर्सिटी को जाना बंद करवा दे। ये गलत फहमी आप और डैड अपने दिमाग से निकाल दे। आप लोग जबरदस्ती मुझे किसी भी बात पे मजबूर नहीं कर सकते। तुम ये क्यों नहीं समझ सकती कि तुम तबाही के रास्ते पे चल रही हो? मत मारा करे मुझे ये रवायती डायलॉग्स। मैं बड़ी होने के साथ साथ बहादुर भी हो गई हूँ। भाई किसी को पसंद करे तो सही, मैं किसी को पसंद करूँ तो गलत। वो जहाँ चाहे दुनिया में जो चाहे करे, मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं है। ये नहीं होगा, नहीं होगा ये।